स्टूडेंट्स, आई एम शारदा मंडलेकर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडेस आई एक्सप्लेन डायरेक्टेड ग्राफ। ओके, ये लेक्चर नंबर सेकेंड है आप ग्राफ थ्योरी का। सो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा ग्राफ कैसे फाइंड करते हैं हम एंड ग्राफ की डेफिनेशन। ओके, फर्स्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वर्टिसेस क्या होते हैं एंड एजेस क्या होते हैं। ओके, सो फर्स्टली आई रीड डेफिनेशन। अ डायरेक्टेड ग्राफ इज अ ग्राफ इन विच द एजेस मे ओनली बी ट्रेवर्स्ड इन वन डायरेक्शन। ओके, डायरेक्टेड ग्राफ हम ऐसे ग्राफ को कहेंगे जिसमें क्या होगा, ओनली वन डायरेक्शन में एजेस होगी। ओके, तो एजेस क्या होते हैं ये हमने पढ़ा है। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाऊंगी। सो वी हैव एन एग्जांपल, हमारे पास देखिए आप एक एग्जांपल है जी। क्या है ये पॉइंट में जो है वो क्या है हमारे पास वर्टिक्स। ओके, जो वर्टिक्स इसे आप थोड़ा ऐसे राइट करेंगे, ये मैं वर्टेक्स को येलो कलर के चौक से ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, देन इसके नीचे भी होगा ये, और यहाँ होगा, और एक पॉइंट यहाँ दिस। इसमें आप देखिए इसे आप भगत हम नेम राइट करेंगे ए बी देन सी एंड ये वर्टेक्स है डी। ओके, अब देखिए डेफिनेशन में क्या है, डायरेक्टेड ग्राफ हम किस ग्राफ को कहेंगे जिसमें क्या हो, एजेस कैसी हो, वन डायरेक्शन में एजेस हो। ओके, अगर हम यहाँ एरो लगा देंगे तो इसका डायरेक्शन कैसा है, ए से बी। अब नीचे भी एक एज है, देखिए आप अगर हम यहाँ ये एरो राइट करेंगे सो इसका डायरेक्शन क्या हुआ, बी से ए। ये सेकंड वाली एज का डायरेक्शन हुआ बी से ए, फर्स्ट वाली एज का डायरेक्शन ए टू बी। ऐसे बी से डी जाना है सो ये एरो, डी से अब ए, देन यहाँ पर देखिए अब इसका इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल सॉरी इनिशियल वर्टेक्स एंड टर्मिनल वर्टेक्स वन ही है, ये यहाँ से स्टार्ट होके यहीं जा रही है, एज वेल एज थ्री नंबर के वर्टेक्स में देखिए यहाँ से स्टार्ट होकर ये यहीं जा रही। दैट मीन्स वर्टेक्स डी एंड वर्टेक्स सी में इनका इनिशियल वर्टेक्स एंड टर्मिनल वर्टेक्स सेम होगा। सो ऐसे अब देखिए इसमें हम राइट करेंगे ये एज हम राइट करेंगे ई वन, ये हो गई हमारी ई टू, देन ई थ्री, देन ई फोर, देन ई फाइव एंड ई सिक्स। ओके, टोटल वर्टेक्स कितने हमारे पास, वन टू थ्री फोर, एंड टोटल नंबर ऑफ एजेस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ओके, अब वन डायरेक्शन में एजेस होगी तो इट इज कॉल्ड बी डायरेक्टेड ग्राफ। बट इसमें देखिए आप यहाँ पर आपको टू वर्टेक्स से टू एजेस भी शो हो रही है, सो इस टाइप की एजेस को हम क्या कहेंगे, सो इस टाइप की एजेस को हम कहेंगे ई वन एंड ई टू एजेस को हम कहेंगे कि एक दूसरे के कैसे है, पैरेलल है। ओके, पैरेलल पैरेलल दैट मीन्स समांतर। पैरेलल पैरेलल एजेस, पैरेलल एजेस इन अ ग्राफ।
कैसी एजेस? E1 एंड E2 एज कैसी है? पैरेलल एजेस इन अ ग्राफ। ओके, देन अब ये डी वर्टेक्स एंड सी वर्टेक्स में क्या दिख रहा है आपको कि इनका इनिशियल पॉइंट, इनिशियल वर्टेक्स एंड टर्मिनल वर्टेक्स क्या है? सेम है। ओके, स्टार्ट होके इनका प्रारंभिक बिंदु और अंत, सॉरी, प्रारंभिक शीर्ष एंड अंत शीर्ष सेम है, इसमें भी सेम है। तो इस टाइप के अगर आपके पास गिवन हो तो इन्हें कहते हैं हम सेल्फ लूप इन अ ग्राफ। ग्राफ में क्या है? सेल्फ लूप में, और इसमें एजेस कैसी दी हुई है? पैरेलल एजेस। ओके, सॉरी, हाँ, पैरेलल एजेस। अब इसमें देखिए, ये ग्राफ में क्या है? सेल्फ लूप इन अ ग्राफ। किसी ग्राफ में क्या है ये? सेल्फ लूप, सेल्फ लूप इन अ ग्राफ। सेल्फ लूप इन अ ग्राफ। अब सेल्फ लूप इन अ ग्राफ कौन कौन सी है? जैसे एज E4 एंड E6। ओके, एज कौन कौन सी है? E4 एंड E6। ये कैसी एज है? सेल्फ लूप है इन अ ग्राफ, किसी ग्राफ में ये सेल्फ लूप शो कर रही है। ओके, सो आज हमने क्या पढ़ा? डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है? जिसमें एजेस कैसे हो? वन डायरेक्शन में हो। सो वी हैव एन एग्जांपल, एग्जांपल लिया हमने जिसमें ये क्या है, वन डायरेक्शन में एजेस की वन है। ओके, ये देखिए आप, एंड ये इस टाइप की एजेस अगर किसी ग्राफ में की वन हो तो उन्हें हम क्या कहेंगे? सेल्फ लूप इन अ ग्राफ। किसी ग्राफ में क्या है ये? सेल्फ लूप है। अगर इस टाइप की एजेस गिवन हो तो पैरेलल एजेस इन अ ग्राफ, किसी ग्राफ में पैरेलल एजेस भी गिवन हो सकती है। ओके, क्लियर है? फर्स्ट में ये एग्जांपल है, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट। ओके, सो आई होप कि आपको डायरेक्टेड ग्राफ क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।